देश की सियासत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने राजनीति के लिए एक नया रास्ता बनाया है। संसद भवन से लेकर राज्यों के विधानसभाओं तक में महिलाओं की ठसक भरी भाषण। राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कद को दर्शाने के लिए काफी है। वैसे आबादी के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। खैर, जो है वो दबदबा कायम करने के लिए काफी है। देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी हो या एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ चुकी राखी बिड़लान, देश की सियासत में इनका योगदान संसद से लेकर सड़कों तक पर रहा है। सोनिया गांधी। हिंदुस्तान की सियासत में सोनिया गांधी का नाम सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है। साल 1997 से लेकर आज तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की एक मजबूत स्तंभ का नाम है। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। बीजेपी में पुरुषों के मुकाबले सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री बनकर महिलाओं की ताकत को बढ़ाया है। गजब की भाषण शैली के लिए प्रसिद्ध सुषमा ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में भी शानदार काम किया है। सुषमा स्वराज के नाम सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कई सालों से पश्चिम बंगाल को संभाल रखा है। बंगाल की साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से राजनीति में ममता बनर्जी ने अपना नया और पक्का स्थान सुरक्षित किया। सिंगुर और नंदीग्राम में जमीन हथियाने पर विरोध किया, जिसके बाद ममता की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जुलाई 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति बनते ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साबित किया कि महिलाएं नीति निर्णायक मुद्दों पर भी आगे रह सकती हैं। वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में बड़ा नाम है। राजे का संबंध राजस्थान के ही एक राजघराने से है। वसुंधरा राजे साल 1984 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। फिर वक्त के साथ साथ राजे ने अपने कद को प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत तक में फैलाया। तभी तो उन्हें बीजेपी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री का पद दिया है। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी देश की सियासत में पूर्ण रूप से सक्रिय तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस समर्थक को उनमें इंदिरा की छवि दिखती है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा प्रियंका को अपना नेता मानने लगा है। बेहतर संवाद और लोकप्रियता की वजह से लोग प्रियंका में संभावना जरूर देखते हैं, लेकिन ये इंतजार का विषय है कि प्रियंका सियासत में कब से पूरी तरह से सक्रिय होती हैं। डिंपल यादव। यूपी के यादव घराने की बहू डिंपल यादव ने पिछले कुछ दिनों में यूपी की सियासत में अपना कद काफी ऊंचा किया है। लोकप्रियता की शिखर पर बैठी डिंपल को उनके चाहने वाले भाभी जी के नाम से पुकारते हैं। डिंपल के कंधे पर समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिम्मेदारी भी है। आने वाले दिनों में डिंपल पार्टी के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकती है। मायावती। मायावती की पहचान दलित नेताओं के रूप में है। केंद्र से लेकर देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक यूपी की महिला राजनीतिज्ञ मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख भी हैं। मायावती के समर्थक उन्हें बहन जी के नाम से जानते हैं। शिक्षिका से लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी फिर सियासत में स्थान बनाने वाली मायावती को ताकतवर नेता के रूप में देखा जाता है। मेनका गांधी। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की पहचान सियासत में आने के बाद भी पशु प्रेमी और पशुओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाली के रूप में है। संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी ने सियासत में कदम रखा। पेशे से मॉडल रह चुकी मेनका ने
साल 1992 में पीपल फॉर एनिमल्स नाम से गैर सरकारी संस्था शुरू की, जो पूरे हिंदुस्तान में पशु आश्रय चलाता है। आने वाले दिनों में मेनका के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदारी बढ़ाने वाली है। महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती भारत की सियासत के जाने माने चेहरों में से एक है। जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। महबूबा जम्मू कश्मीर की 13वीं मुख्यमंत्री हैं। महबूबा मुफ्ती अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आने वाले दिनों में देश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ही, क्योंकि 21वीं सदी में राजनीति जैसे विषयों पर युवा काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।